देखो थोड़ा नंबर 6.6 क्या है, यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। और ये प्रूव करके देना है कि एक समकोण त्रिभुज है, कि मान लेते हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। अब क्या बोला, यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर, इस शीर्ष से कर्ण पर जो लंब डाला जाता है तो लंब डालने के पश्चात जो दो त्रिभुज बनते हैं वो दोनों त्रिभुज परस्पर क्या होते हैं, समरूप होते हैं। हमें यही बात प्रूव करके देना है, ठीक है। वैसे ये छोटा सा जो ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, यह त्रिभुज ये बड़ा के भी समरूप होगा, यह छोटा वाला इसके भी समरूप होगा, और ये छोटा वाला इस बड़ा वाला के भी समरूप होगा। ये सब बात हमें प्रूव करना, तीन गो चीज आ रही है। तो गिवन क्या है, हमें एबीसी एक त्रिभुज दिया गया है जो कि समकोण है, तो लिख देंगे दिया गया है क्या चीज, दिया गया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है, जिसका कोण ए समकोण है, इसका नाम कुछ दे देते हैं डी, तथा ए डी जो है वह लंब है बी सी पर। ए डी लंब है किस पे, बी सी पे। यह हमें गिवन है, दिया गया है। सिद्ध करना है हमें क्या, सिद्ध करना है एक नंबर बात, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज डी बी, डी बी ए, त्रिभुज डी बी ए समरूप है त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज ए बी सी के, ए बी सी के। दूसरा बात है प्रूव करना है, त्रिभुज डी ए सी, डी ए सी त्रिभुज जो है वह भी समरूप है किसके, ए बी सी के। और थर्ड नंबर बात हमें क्या प्रूव करना है, त्रिभुज दोनों छोटा वाला जो है, त्रिभुज डी बी ए, डी बी ए समरूप है किसके, डी ए सी के, त्रिभुज डी ए सी के। ये तीनों बात हमें प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शन तो कुछ किए है नहीं, नहीं ना किए है, तो प्रमाण के तौर पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रमाण के तौर पे हम लिख सकते हैं क्योंकि ए डी जो है वह किस पे लंब है, बी सी पे। जब ए डी लंब है बी सी पे मतलब यह कौन 90 डिग्री और यह भी कौन क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, लिख सकते कि नहीं। इसलिए एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर होगा एंगल किसके, ए डी सी के, ए डी सी के, और वह किसके बराबर होगा, 90 डिग्री, प्रत्येक को 90 डिग्री का। यह भी एक प्रूफ है। अब हम लोग त्रिभुज चलते हैं ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखो एक कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री, ठीक है। तो एक कोण का नाम क्या होगा, बी ए सी एंगल कितना, 90 डिग्री। और कुछ दिख रहा है, अब देखो बहुत सिंपल था बात, ये 90 डिग्री या त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो ये कोण मिला कितना बना लेगा, 90 डिग्री नहीं बना लेगा, ये अकेला 90 है, तो ये दोनों का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। शॉर्ट में समझ आया, इसको एक लिख देना, इसको दो लिख देना, इसको तीन लिख देना, चार नंबर कौन है। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल एक प्लस एंगल चार 90 डिग्री, एंगल दो प्लस एंगल तीन भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं। तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए एंगल दो प्लस एंगल तीन बराबर किसके, 90 डिग्री के। इसको मानते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, तथा
त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, इस त्रिभुज में ध्यान से देखना ये 90 डिग्री है, तो एक और दो भी कितना होगा 90 डिग्री के बराबर, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग एंगल एक प्लस एंगल दो बराबर किसके, इक्वेशन में ना हो गया या समझा रहा ना बात, देखो ना ये अकेला 90 डिग्री, तो ये दोनों का सम भी तो 90 डिग्री होगा, इसी प्रकार इस त्रिभुज में एंगल तीन प्लस एंगल चार भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर होगा, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर भी क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा ना। चलो देखते हैं अगला, उसमें आते हैं ट्रायंगल किस में आते हैं, एवं त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में क्या होगा एंगल थ्री प्लस एंगल फोर भी किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, यह मेरा इक्वेशन हो गया। थर्ड ध्यान से देखना, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का कंपेयर करे तो दूसरे दो देखो कैंसिल हो जाता है, तो एंगल वन प्लस एंगल थ्री बराबर कितना देगा 90 डिग्री, नहीं मतलब देखो ऐसे ये प्लस ये बराबर 90 डिग्री है, ये प्लस ये भी 90 डिग्री, मतलब ये दोनों का आमने सामने जब बराबर है, ये तो दूसरे दुकान से यानी 1 3 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 किस बराबर हो जाएगा एंगल 3 के बराबर, ऐसे क्या बेनिफिट मिलने वाला ध्यान से देखना, हम ये ट्रायंगल में चले तो कुछ बात बनेगा कि नहीं, ये छोटा सा ट्रायंगल इस छोटे से ट्रायंगल में चलते हैं, तो अब हम क्या करते हैं चाहे देखो यहाँ पर हम लोग को जिसमें प्रूव करना उसी में चलते, कोई दिक्कत हम लोग चलते हैं, इसलिए फर्स्ट बात को प्रूव करने के लिए चलते हैं त्रिभुज किसमें डी बी ए और त्रिभुज किसमें ए बी सी में, सब चीजें को खुद ब खुद पता चलेगा, डी बी ए डी बी ए सुन लो डी बी ए डी बी ए मतलब ये ट्रायंगल छोटा सा हल्का झल दे रहा ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी मतलब पूरा ट्रायंगल पूरा बड़का वाला, ये दोनों ट्रायंगल में तुम लोग को क्या दिख रहा है, एक चीज दिख रहा है कि एंगल बी जो है दोनों में प्रेजेंट है कि नहीं, तो एंगल बी बराबर एंगल बी दोनों में देखो ना यहाँ दिख रहा है क्या है उभयनिष्ठ, क्या है उभयनिष्ठ है कि नहीं उभयनिष्ठ, और कुछ दिख रहा है हाँ इस ट्रायंगल का 90 डिग्री है, ये ट्रायंगल का भी है 90 डिग्री एंगल है, तो एंगल इस ट्रायंगल का एंगल कौन डी नहीं, टी का नाम क्या होगा पूरा नाम ए या बी डी ए, एंगल बी डी ए बराबर एंगल किसके बी ए सी के, बी ए सी के, अब प्रत्येक क्या है हाँ प्रत्येक 90 डिग्री का, दो एंगल मिल गया तो कौन नियम से डबल ए से, इसलिए ट्रायंगल डी बी ए सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी किससे तो डबल ए डबल ए, समरूपता कसौटी से ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दो नंबर बात प्रूव करने के लिए, किस ट्रायंगल चलना हम लोग को डी ए सी ट्रायंगल डी ए सी और ट्रायंगल ए बी सी में, इस दोनों ट्रायंगल में भी ध्यान से देखना क्या दिख रहा है तुम लोगों को, डी ए सी मतलब ये है एंगल डी ए सी, इसका एंगल फोर, अब बड़का का भी एंगल फोर दोनों में है कि नहीं कॉमन नहीं बोल सकते हैं, तो एंगल फोर का नाम फोर दो या एंगल डी सी ए दो, डी सी ए बराबर किसके ए सी बी के, ए सी बी बी के नहीं क्या है तो घनिष्ठ है ना, तो घनिष्ठ कौन है ना दोनों है, और ये 90 ये भी, तो एंगल क्या लिखेंगे बोलो एंगल क्या लिखेंगे, एंगल छोटके के लिए छोटका के लिए क्या लिखाएगा ए डी सी, एंगल ए डी सी बड़का के लिए क्या लिखाएगा एंगल बी ए सी, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री, इसलिए ट्रायंगल डी ए सी सिमिलर होगा ए बी डबल ए से लिख देना ठीक है। अब आते हम लोग थर्ड नंबर बात पे, थर्ड नंबर बात क्या है ट्रायंगल डी
बी ए सिमिलर करना है किसके ट्रायंगल डी ए सी की, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो हम लोग ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना है, ठीक है। एक चीज तो आराम से मिल जाता है हम लोगों को कि एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी जो होगा वो एंगल ए डी सी के बराबर होगा, ए डी सी के बराबर होगा। प्रत्येक क्या है तो 90 डिग्री का, नहीं प्रत्येक 90 डिग्री का है, ठीक। अब देखो ये सभी क्वेश्चन हम लोगों को काम देने वाला है। देखो वन टू वाला कहाँ है क्वेश्चन, ये मेरा नहीं है। थ्री फोर वाला कहाँ है, ये रहा। तो हम लोग कर चलते हैं समीकरण दो और तीन से अगर चले तो क्या होगा, एंगल वन प्लस एंगल टू जो होगा वह बराबर होगा किसके, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर। एक मिनट इसमें नहीं होगा, देखो टू इसमें भी टू आया, तो एंगल क्या करेंगे समीकरण एक और दो से चलेंगे, तो एंगल वन प्लस टू किसके बराबर हो जाएगा, एंगल टू प्लस एंगल थ्री के, एंगल टू से एंगल टू कैंसिल, एंगल वन जो होगा एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंगल वन जो होगा एंगल किसके बराबर हो जाएगा, थ्री के। तो एक और एंगल मिल गया कि नहीं, क्यों ना, इसका ये एंगल इसके ये एंगल के बराबर है, अर्थात हम इसको क्या कोण लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं एंगल वन को एंगल ए बी सी जो होगा वो बराबर होगा एंगल किसके, तो एंगल तीन यानी कि डी ए सी के, डी ए होगा ना। तो देखो ना एक एंगल तो यहाँ से तो पता था, एक एंगल यहाँ से हो गया, डबल इसे नहीं हो जाएगा, तो लिख सकते इसलिए ट्रायंगल ए डी बी ए जो होगा वो सिमिलर होगा डी ए सी के नियम से, तो डबल ए समरूपता नहीं कसौटी, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर होंगे, तो तीनों बात प्रूव हो गया। अगर इसको नहीं भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ले भी लिया तो नहीं भी ले सकते थे, ठीक है, नोट करो।